ज्यादा एडिक्शन है सोशल मीडिया। ना आपकी सुबह इंटरनेट के बिना होती है, मजा लें कि रात में नींद बिना रील्स देखे आ जाए। हालत ये है, जब आप सुबह जगते हैं तो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, और रात को सोते हैं तो मोबाइल आपके तकिए के नीचे रखा रहता है। सोशल मीडिया आज के समय का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है और सबसे बड़ा एडिक्शन भी है। बेचना गलत नहीं है, मैं नहीं मानता, बिजनेस गलत नहीं, मतलब रील्स दिखाकर अटेंशन लो और फिर अपना सामान बेच दो। क्या आपको ये पता है कि सोशल मीडिया आपके इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा किस तरीके से उठा रहा है? आप सोच के आजकल सब कुछ कितना आसान हो गया है। अगर भूख लग रही है तो 15 मिनट में खाना ले लो, खाना ऑर्डर कर लो। अगर किसी की याद आ रही है तो उसे फोन करके उसे बात कर लो। अगर किसी के बारे में कुछ जानना है तो उसे सोशल मीडिया पर थोड़ा सा स्टॉक कर लो। लोग करते ही हैं, जो छोड़ के चला जाता है उसके बारे में कि कब इसके हाथों में मेहंदी लग रही है, कब इसका हाथ किसी और के हाथों में है, सब तो लोग करते ही। पर जितना इंटरनेट आपकी लाइफ को आसान बना रहा है, उतना मुश्किल कर रहा है आपकी जिंदगी को, क्योंकि वो आपको एडिक्ट बना रहा है। शराब से ज्यादा एडिक्शन है सोशल मीडिया में। आप इंटरनेट और सोशल मीडिया के आदि हर दिन होते जा रहे हैं। ना आपकी सुबह इंटरनेट के बिना होती है, और मजा लें कि रात में नींद बिना रील्स देखे आ जाए। हालत यह है, जब आप सुबह जगते हैं तो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं और उसे वॉशरूम में लेके चले जाते हैं। वहां से जर्म्स कीटाणु सब मोबाइल पे लगे रहते हैं, फिर तुरंत खाना खाते हैं, मतलब, और रात को सोते हैं तो मोबाइल आपके तकिए के नीचे रखा रहता है। जब बिल्कुल ही आंखें करकने लगती हैं, पानी आने लगता है मोबाइल देख देख के, तब हम सोने की तैयारी करते हैं, सोने के बारे में सोचते हैं। अब सोशल मीडिया आज के समय का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है और सबसे बड़ा एडिक्शन भी है। और आप अगर इससे एडिक्ट हैं तो ये आपको पता ही है, पर क्या आपको ये पता है कि सोशल मीडिया आपके इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा किस तरीके से उठा रहा है? आप सोच भी नहीं सकते। इंटरनेट आपके डिस्ट्रैक्शन का बहुत तरीकों से फायदा उठा रहा है। वो इसके थ्रू आपको चीजें बेच रहा है, वो आपको चीजें खरीदने पर मजबूर कर रहा है। इंपल्सिव बाइंग, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं इसके खिलाफ हूँ कि नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं बिकनी चाहिए, बट जब आप एक बार ये चीजें देख लेते हैं तो वो बार बार आपके स्क्रीन पे पॉपअप होगा कि ये खरीद लीजिए, और मजबूरी में फिर उस पर डिस्काउंट शो होगा और आप खरीद लेते। आप देखते हैं कि आज आप AI इतना अलग तरीके से काम कर रहा है कि अगर आप दो दोस्त मिलकर चेकअप की बात करें तो थोड़ी देर में डॉक्टर लाल पैथलैब का मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पे। आपने देखा होगा कि किस तरह से इंस्टाग्राम पर आपको 3 रील्स दिखाकर एक एडवर्टाइजमेंट दिखा दी जाती है, मतलब रील्स दिखाकर अटेंशन लो और फिर अपना सामान बेच दो। बेचना गलत नहीं है, मैं नहीं मानता, बिजनेस गलत नहीं, बट इंपल्सिव बाइंग गलत है। किसी को जबरदस्ती कुछ भी बेचना, उसका माइंड डाइवर्ट करके, वो गलत है। और सही बात है, आज आप देखते होंगे सुहानी साहब को देख लीजिए, वो पढ़ लेती है ना, दिमाग बदल देती है थोड़ी देर के लिए, बड़े बड़े जादूगर बदल देते हैं। तो वही काम ये भी कर रहे हैं सिर्फ कि हमारे दिमाग को डाइवर्ट किया और मजबूर कर दिया हमें कुछ भी खरीदने पे। उधर क्रेडिट कार्ड तो है ही, पता भी नहीं चलता, जब हाथ से कैश जाता था तो मुश्किलें होती भी थी, लेकिन अब तो करेंसी ऐसी है कि पता ही नहीं चलता कब हमने कहां लगा दी। एक बात तो आपको भी समझनी होगी कि आपका अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया तरीके की करेंसी है, और वो है आईबॉल्स, यानी आपका अटेंशन और क्लिक्स, यानी आपका उस कंटेंट के साथ इंटरेक्शन, और उसके थ्रू काफी लोग बहुत पैसे भी कमा रहे हैं। बस आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाकर आपका अटेंशन ले लेते हैं। तो समझिए कि आपका अटेंशन कितना इंपॉर्टेंट है, और साथ ही ये भी आपको बहुत संभलने की जरूरत है कि अटेंशन किसको देना है और किसको नहीं देना है। मैं भी अपना अटेंशन अभी चाय से हटाता हूँ। जिंदगी में सब कुछ सोशल मीडिया नहीं, लेकिन आजकल हो गया, सब कुछ हमारे लिए सोशल मीडिया हो गया है। लोगों को पता है कि मैक्सिमम लोगों का दिल टूटा हुआ है, तो लोग हमारे सामने वैसी रील्स परोस देते हैं जहां पे वो दिल टूटने की बात होगी, लड़की की बेवफा हो जाने की बात होगी। आज आप देख रहे हो मोटिवेशन सबसे ज्यादा चल रहा है, क्यों? क्योंकि हर आदमी के जीवन में दुख है, हर आदमी चाहता है कि कुछ किक मिले, तो वो टेम्परेरी किक तो मिल जाती है, उसके अगले दिन फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो हम सिर्फ ये टेम्परेरी मोटिवेशन लेने में अपना समय खराब कर रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे लाइफ। तो मैं यही चीज बता रहा था कि आपको अब ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आपको अपना अटेंशन किसे देना और किसे नहीं देना। मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि अगर सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं और उसके आदि हैं, तो उसमें बुरा सोशल मीडिया नहीं है, बुरे आप हैं, क्योंकि आपका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता जब तक कि आप उस पर सहमत नहीं है, वो आपकी सहमति से ही आपका इस्तेमाल कर रहा है। अब सोशल मीडिया को चलाना और यूज करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, क्योंकि अगर आप अपने फायदे के लिए चला रहे हैं और वो भी मॉडरेशन में, जितना जरूरी है या जरूरत से थोड़ा ज्यादा है, तो ठीक है। यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है, पर अगर आप उसे यूज कर रहे हैं किसी एग्जाम की तैयारी करने में, आप अभिनय में ऐसे वीडियोज देख रहे हैं, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। बस यही है कि आपको ये मॉडरेशन में चलाना है। इसके लिए आप अपना एक डेली शेड्यूल और टाइम टेबल बना सकते हैं, जिससे आपको पता हो कि सोशल मीडिया कितनी देर के लिए चलाना है,
कब कब चलाना है, कब नहीं चलाना है। सोशल मीडिया चलाने से आज के जमाने में आप बच तो नहीं सकते हैं, किसी ना किसी चीज के लिए आपको सोशल मीडिया चलाना ही पड़ेगा। आज आप कोई दवाई लेके आते हैं, उसके साइड इफेक्ट देखने हैं आपको। हर चीज में हम लोगों को गूगल की आदत पड़ गई है। चाहे आपको पढ़ाई करनी है या फिर खाना पकाना है, कुछ रेसिपी देखनी है, तो आपको जरूरत पड़ेगी यूट्यूब की। मुझे खुद पड़ती है, मैं खुद यूट्यूब पे हर चीज देख लेता हूँ या गूगल पे हर चीज देख लेता हूँ, इसके क्या फायदे हैं क्या नहीं है। कल मुझे याद है मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि यार फोटोज भेज दे अपने मोबाइल से। कल मैं एक इवेंट में गया था वहां पे, और मैंने ये बात होगी लगभग 12 बजे की रात को, और मैंने वो 12 बजे फोन उठाया इसी काम के लिए, और पता नहीं कोई रील का नोटिफिकेशन आ गया, जबकि मैं अपने जो मेरे नॉर्मल फोन है जो मैं साथ लेके चलता हूँ, मैं उनमें ये एप्स ही नहीं रखता यूट्यूब। मुझे पता है मैं शाम को जब मेरे को वक्त मिलेगा तो मैंने अपने आईपैड में या अपने टैबलेट में मैं ये डाल के रखता हूँ, ताकि मैं कम यूज कर पाऊँ। ऐसा ना हो कि मैं रास्ते में चल रहा हूँ, गाड़ी में चल रहा हूँ तो मोबाइल यूज कर रहा हूँ, किसी से मीटिंग करने जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, फिर एक नोटिफिकेशन आ गया, तो मैं नहीं रखता। मुझे मालूम है कि इससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा, ना तो मैं उस मीटिंग में अपना 100% दे पाऊंगा, या फिर मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बीच में नोटिफिकेशन आ गया तो मैं नहीं दे पाऊंगा अपना 100%। तो मुझे बचना तो पड़ेगा इससे। पर एक चीज जो आप कर सकते हो वो है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या देखना है और कितना देखना है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पर पढ़ाई की वीडियोज देखोगे तो वो आपको पढ़ाई की वीडियोज ही दिखाएगा। यूट्यूब ऐसा नहीं है कि उसकी गलती है, वो तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से दिखाता है। पर अगर आप चिकनी चमेली टाइप का कंटेंट देखना चाह रहे हो तो यूट्यूब आपको वही दिखाएगा। लो और देखो, मलाइका देखो, नूरा देखो, उर्फी देखो, राखी देखो, यही सब दिखाएगा, वैसा कंटेंट आपको दिखाएगा। तो मालिक आप ही हैं, बस आपको दिमाग लगा के चूज करना है कि आपको देखना क्या है। और साथ ही सोशल मीडिया पर ऑनलाइन जाने से पहले अलार्म भी लगा लो, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया चलाना शुरू करोगे, जब आप रील शॉर्ट देखना शुरू करोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना वक्त हो गया, ताकि एक मैसेज पॉपअप कर जाए कि भाई अब बहुत हो गया, रख दे मोबाइल, नहीं तो खत्म है जिंदगी। लास्ट में मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा कि सोशल मीडिया चलाओ, वो चलाना भी जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, बहुत जरूरी है। पर सोशल मीडिया चला किसी और के फायदे के लिए रहो ये मत, अपने लिए चलाओ। सोशल मीडिया के कंटेंट की मदद से खुद को कितना आगे ले जा सकते हो इस पे फोकस करो। किसी भी चीज का इस्तेमाल आप अपने फायदे के लिए करो, खुद को किसी के लिए इस्तेमाल मत हो। सही रास्ते पे मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी, ना कि ऐसे ऐसे टाइम पास करने से। तो सोशल मीडिया के एडिक्ट मत बनो, सोशल मीडिया के कंटेंट की मदद से आगे बढ़ना। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था। बहुत से बच्चे जो पढ़ाई करते हैं लाइब्रेरी में, तो आप उस वक्त अपना मोबाइल का डाटा ऑफ, आपको लग रहा होगा आपका कोई परम मित्र हो सकता है, परम मित्र नहीं हो सकती है कि यार फिर वो कैसे मैसेज करेगी, तो आप उसे कह दो कि यार ठीक है, आपको अगर कोई बहुत अर्जेंसी हो या मेरी याद आए, आपको अगर मुझे आई मिस यू भी लिखना है, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज करो, ये बात सिर्फ उसी को पता है तो वो करेगी। बट क्या होगा कि आप जब उसका मैसेज व्हाट्सएप पे आई मिस यू देखने के लिए खोलोगे, तो तमाम और दोस्तों के चल चाय पीने चल रहा है, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस और भी पड़े होंगे, और दोस्ती में मना करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो आप अगर चाहते हो कि आपको बचना है इन सब चीजों से, तो आप अपना 12 घंटे से भी ज्यादा मोबाइल डेटा ऑफ रखो। और अब वो वक्त आ गया, पहले वाला दौर क्यों इतना अच्छा था 2017 से पहले, क्योंकि मिलता ही 1 GB डेटा था, और वो हमें बार बार, और मोबाइल क्या खुद से डेटा खाता रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे ही कुछ देखा फिर मोबाइल डेटा ऑफ कर दिया। तो वो दौर वापस लेके आना पड़ेगा अगर आपको वक्त निकालना है, वरना आज लोगों के पास पढ़ाई करने के लिए वक्त नहीं है, माओ के पास खाना बनाना कपड़े धोने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया में पूरी तरह उलझ चुके हैं। और मोबाइल ऐसा नहीं कि हमारा सिर्फ टाइम खा रहा है, हमारे दिमाग का डोपामिन भी खाता है, जो हमें खुश रखने में मदद करता है। आज आप देखते हो ना, लोग बड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लोगों के अंदर धैर्य नहीं है, लोग क्रोध करने लग जाते हैं, वो सोशल मीडिया उसकी वजह है, मोबाइल उसकी वजह है, कि मोबाइल पे जब आप बहुत टाइम दे दोगे तो आप खुद अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। क्योंकि जब भी हम लाइफ में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करते, जब भी हम लाइफ में कुछ ऐसा नहीं करते जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, तो हम फ्रस्ट्रेट होंगे। कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, मैं 2 घंटे मोबाइल चला लूं, मुझे लगेगा यार मैंने टाइम खराब कर दिया, वहीं मैं 2 घंटे की क्लास ले लूं, पढ़ा लूं, उसके बाद मुझे एनर्जी फील होती है, अच्छा लगता है मुझे। आपके साथ भी सेम। तो अगर आप चाहते हो कि घबराहट ना हो, उससे अच्छा ये है कि आप अगर आधा घंटे, अगर आपको ये लत छोड़नी है मोबाइल की, तो आप सुबह आधा घंटे, शाम को आधा घंटे, दोनों में से किसी एक टाइम पे रनिंग करो और एक टाइम पे प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन करो। मुझे लगता है उससे मोबाइल की लत भी छूट जाएगी। ये तो मोबाइल की लत है, लोग शराब की छोड़ देते हैं, लोग ड्रग्स की छोड़ देते हैं। तो आपको मतलब अपनी जो डिजायर्स हैं, जो अपनी विल पावर है, उसको बहुत स्ट्रांग बनाना होगा, कुछ फर्म डिटरमाइन होके डिसीजन लेने होंगे। और डिसिप्लिन इसी को कहते हैं लाइफ में, कि अगर मुझे 1 घंटा मोबाइल यूज करना है तो मैं एक ही करूंगा। जो लोग डिसिप्लिन नहीं रखते वो जीवन में हासिल नहीं कर पाते कुछ। तो आप अपना भविष्य देख लो कि आपको कहाँ जाना है। अगर आप चाहते हो सच में कि आपको सफल होना है, तो मोबाइल का सही इस्तेमाल सीखना पड़ेगा। मना नहीं कर रहे, सही इस्तेमाल सीखना है। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।